हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ नवदीप कौर जी हैं। इनका भी अभी फिनलैंड का रेजिडेंट परमिट कार्ड आया है। ये स्टडी करने के लिए फिनलैंड जा रहे हैं। हम इनसे कॉन्वर्सेशन करेंगे ताकि आपको इनपुट्स मिलें कि क्या बैकग्राउंड के बच्चे एलिजिबल रहते हैं फिनलैंड में अप्लाई करने के लिए, क्या आइल्स चाहिए या क्या बैकग्राउंड चाहिए, प्लस फिनलैंड में जो VFS में इंटरव्यू होती है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वो सारी डिस्कशन हम नवदीप से करेंगे ताकि आपको आगे फ्यूचर में हेल्प मिले अगर आपने फिनलैंड पढ़ने जाना है। सबसे पहले नवदीप जी, मैनी कंग्रेचुलेशंस, ये आपका रेजिडेंट परमिट कार्ड आया है। सो नवदीप जी, ऑडियंस को थोड़ा बताएं, स्टार्ट करें अपनी एकेडमिक जर्नी से कि आपने कब 12th की, क्या आपने ग्रेजुएशन करी, थोड़ा आइल्स किया कि नहीं किया, वर्क एक्स है कि नहीं, वो थोड़ा बैकग्राउंड बताएं। सर, सबसे पहले तो मैंने जो अपनी प्लस टू है वो मैंने GGS खालसा कॉलेज सरहाली से की थी। वो मैंने 2013 में की। एंड आफ्टर दैट जो मेरी बैचलर है उसमें मैंने BSc कंप्यूटर साइंस की, वो मैंने 2016 में पास की। एंड जो मेरे परसेंटेज थी वो 71% मार्क्स थी। और मैंने मास्टर्स भी की है, MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एंड वो मैंने श्री साई कॉलेज मानना वाला अमृतसर से की है 2018 में। एंड आई गॉट 80% मार्क्स। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद नवदीप जी, जैसे 2022 चल रहा है, 2023 में आप पढ़ने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, सो कुछ जॉब वगैरह आपने की या 4 years का गैप था? यस सर, मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस। मैंने टीचिंग में मतलब जॉब की थी और मैंने 2019 तक की, और उसके बाद मेरे 3 years का गैप था, मगर फिर भी आई गॉट माई वीज़ा। ग्रेट। सो आइल्स या कुछ ऐसा तो नहीं फिनलैंड के लिए आपको करना पड़ा? नो सर, आइल्स नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। बस एक मतलब एंट्रेंस एग्जाम होता है और वो भी बहुत ईजी होता है। मैंने मतलब बहुत ही अच्छे से किया, इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ केक, सो मैं बहुत खुश हूँ। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में चलिए बात हो रही है, तो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कुछ बताएं, उसमें क्या टॉपिक था या क्या प्रोसेस था? जो एंट्रेंस एग्जाम था उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रिटन पार्ट और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन पार्ट। और जो रिटन पार्ट है वो तो बहुत ही ईजी था। उसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, तो उसमें हमें अपने सेंटेंस बनाने होते हैं और एक टॉपिक दिया जाता है, वो भी जैसे जो आजकल लेटेस्ट टॉपिक होते हैं, जैसे कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट के रिलेटेड हो सकता है, कोई बिजनेस के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, उस पर हमें मतलब है ना लिखना होता है। और जो सेकेंड पार्ट है वो होता है कि ग्रुप डिस्कशन पार्ट, उसमें हमें वो एक टॉपिक देते हैं, उस पर हमें मतलब डिस्कशन करनी होती है, जैसे 4 स्टूडेंट का ग्रुप बना होता है और इस पर बस थोड़ा बहुत बोलना होता है। बहुत ही ईजी है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ईजी है, मैंने बहुत ही अच्छे से मतलब उसको मैंने क्रैक कर लिया था। चलिए बढ़िया है नवदीप जी। सो रिजल्ट कितने दिनों में आ गया था उसका? रिजल्ट ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि विद इन 1 week आ गया था, और मेरा वीजा भी जल्दी आ गया और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक बात है। सो नवदीप जी, वीजा प्रोसेस की बात करते हैं। जब आप VFS गए, आजकल थोड़ा डिले है अपॉइंटमेंट में, बट चलो जब भी अपॉइंटमेंट मिली आप VFS दिल्ली गए, तो वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हुआ, थोड़ा वो बताएं ऑडियंस को। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वॉज लिटिल बिट नर्वस जब मैंने जाना था, तो मुझे मैं बहुत डरी हुई थी। तो मतलब मैं जब वहाँ पे गई तो वहाँ के जो भी मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पे है ना, उनके स्टाफ था वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, वो स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि आपने कहाँ जाना है, कौन से रूम में आपका इंटरव्यू होगा, वो बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं। तो डरने वाली बात तो कोई भी नहीं है, स्टूडेंट वहाँ पे डरते जरूर हैं। और जब मैंने इंटरव्यू दी थी वहाँ पे 2 मैम थी, एक थे फिनिश वाले मैम थे और एक इंडियन मैम थे, उन्होंने मुझसे बहुत ही ईजी क्वेश्चंस किए थे। एक था कि आप फिनलैंड क्यों जाना चाहते हो, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, और मेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं। उन्होंने मेरी एक्सेप्टेंस लेटर देखी, इंश्योरेंस लेटर देखी, बस ये इजी प्रोसेस था और बस हो गई मेरी। तो इंटरव्यू कितनी देर चली होगी आपकी रफली? मेरी इंटरव्यू तो मतलब ऑलमोस्ट मुझे तो 3 मिनट ही थी, मुझे ऐसा ही लगता है कि 3 मिनट ही थी। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कोई डरने की बात नहीं है, प्रोसेस बहुत सिंपल है फिनलैंड में। बस एक ही थोड़ा सा रहता है कि आप टाइमली अप्लाई करें ताकि आपका ऑफर लेटर आ जाए, फिर VFS की अपॉइंटमेंट में टाइम लगता है। सो थोड़ा टाइम है, ये नहीं है कि आपने अगस्त इनटेक है तो आप जून में आओगे हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, यहाँ सब कुछ एडवांस में होता है। अगस्त इनटेक के लिए ऑलरेडी दिसंबर जनवरी में फाइल्स लग रही हैं, सो थोड़ा टाइमली चलना है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रोफाइल जैसे मैम की प्रोफाइल आपने देखी, विदाउट आइल्स भी हो जाता है, विद आइल्स भी हो जाता है, और VFS इंटरव्यू से तो बिल्कुल भी कोई डरने वाली बात नहीं है। सो नवदीप जी, आगे आपके वहाँ जाके क्या गोल्स हैं, पढ़ाई आप करने जा रहे हो, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके?
सर पहले तो मतलब मेरा टीचिंग में एक्सपीरियंस है, तो मैं मतलब अपनी चाहती हूँ कि मुझे अपने करियर जो भी मेरी लाइन है ना फील्ड है उसी में मैं जॉब करूँ, तो बाकी देखते हैं तभी जाके कि क्या होता है वहाँ पे। बाकी मेरी सिस्टर है वहाँ पे, मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनका छोटा बेटा भी गया है, तो उन्होंने भी मुझे काफी अच्छा बताया वहाँ का इन्वायरमेंट, एटमोसफियर मतलब अच्छे, मतलब सब कुछ अच्छा है वहाँ। क्या क्या तारीफ करते हैं वो फिनलैंड की, चलिए बताएं। सबसे पहले तो ये हैप्पीएस्ट नेशन है वहाँ पे, है ना, तो सबसे एक पॉइंट ये है कि वो क्राइम फ्री नेशन है ना, तो मतलब सेफ है वुमेन के लिए, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है ना। तो एक है कि करप्शन फ्री है वहाँ पे, करप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है, पीसफुल कंट्री है, बहुत ही ब्यूटीफुल है वो, मतलब डेली मेरी उनसे बात होती है। अच्छा। और मुझे बताते रहते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है फैसिलिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके बैठने के लिए क्या फैसिलिटीज है, उनकी एजुकेशन फ्री है, और वो स्कूल जाता है और मतलब है ना न्यू लर्न कर रहा है सब कुछ न्यू, है ना, डे बाय डे, तो अच्छा है सब कुछ। चलिए ग्रेट। सो इन द एंड एडुफिन के बारे में आप क्या ओपिनियन देंगे, जैसे आप पहले दिन आए, आपको कुछ टर्म कंडीशन बताई, एंड तक वही रही वगैरह वगैरह, कुछ भी आप बताना चाहें। यस, मेरा एडुफिन के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने मुझे जैसे ही स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है वही मैंने फॉलो किया है, और स्पेशली तो जो मनिंदर सर है उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, और जब मेरा इंटरव्यू था तो मैम जो भी यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने हमें मतलब प्रिपरेशन करवाई थी इंटरव्यू की, कि कैसे कैसे हमें प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चंस, और उन्होंने कभी नहीं ऐसा कहा कि आप हमें इस टाइम नहीं कॉल कर सकते। मैंने दिन में रात में जब भी मतलब है ना होता था, कोई इवनिंग नाइट मैंने कोई भी क्वेश्चन था, कोई डाउट क्लियर करना होता था, मैं कॉल करती थी उनको, मैसेज ड्रॉप कर देती थी, तो वो तभी मेरा इमीडिएटली मेरे रिप्लाई करते थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा गाइड किया, इसलिए शायद मैंने इसलिए इजली से वो है ना अपने इंटरव्यू जो क्रैक कर लिया है। चलिए ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। एडुफिन रॉक्स।